लॉकडाउन और कोरोना से ध्वस्त हुआ सेकेंड हैंड कार कारोबार 20% पर पहुंची बिक्री, डिमांड में छोटी मोटर कारें। लॉकडाउन और कोरोना का असर सेकेंड हैंड कार बाजार पर भी पड़ने लगा है। कार विक्रेता बताते हैं कि पिछले 5 महीने से वे ग्राहकों के इंतजार में हैं। माली हालत इतनी खराब है कि फायदे के लिए यूज्ड कारों में किया गया निवेश नुकसान का सौदा बन रहा है। हालांकि कुछ कार विक्रेता यह भी मान रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से कम कीमत वाली यानी 1 से 1.5 लाख कीमत की कारों की डिमांड बढ़ी है, जबकि महंगी कारों के लिए इंक्वायरी कम है। अभी लोग हर गाड़ी देखो, अभी छोटे बजट की गाड़ी 1,50,000 की गाड़ी आदमी डर रहा है। हर आदमी को लग रहा है कि मैं 50,000 की गाड़ी घर पर लेके रख दूँ, क्योंकि लॉकडाउन में पैदल लोग बहुत जा चुके हैं। तो अभी हर आदमी गाड़ी ले रहा है, छोटी मोटी गाड़ी ले रहा है, 50,000-60,000 की गाड़ी ले रहा है। जो बस ट्रेन बंद है तो लोगों को तकलीफ हो रही है, तो 50,000-60,000 की गाड़ी लोग लेके जा रहे हैं। अभी एक पुणे से आया था, उनको बहुत तकलीफ, तो 60,000 की गाड़ी खरीद लिया हम लोग से। हाँ, अभी एक अपंग आदमी है, उनने i20 ले ली, क्योंकि उनको जाने आने के लिए ट्रेन से रास्ता नहीं है, तो अभी गाड़ी ले रहे। और अभी हम लोगों को बड़ी गाड़ियों पर हमारा फोकस है, लेकिन बड़ी गाड़ियों का सेल बहुत ज़्यादा कम है और छोटी गाड़ियों का डिमांड है, लेकिन छोटी गाड़ी सेल में नहीं आ रही है। जिनके पास है वो बेच नहीं रहा है, क्योंकि जो उनको ट्रैवलिंग के लिए जो भी ज़रूरत है छोटी गाड़ी की, वो अपनी गाड़ी से खुद कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने अभी तक ट्रेन्स वगैरह, बस वगैरह, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके, तो उसके हिसाब से लोग थोड़ा सा डर रहे हैं कोविड वगैरह के वजह से, कि ट्रेन वगैरह में सफ़र करने के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, और बस वगैरह में भी जाने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो जो इतने एबल हैं कि वो 1-2 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं, तो वो आते हैं, लेकिन उस टाइप की गाड़ियां अभी मार्केट में बहुत ज्यादा कम अवेलेबल हैं। बता दें कि मुंबई के वाशी, पाम बीच रोड, खारघर, बेलापुर तथा एरोली एवं पनवेल आदि ठिकानों पर जूना कार बाजार चलता है। लॉकडाउन से पहले यहां 70-80 कारें बिकती थी, लेकिन अब यह बिक्री सिर्फ 20% तक रह गई है। यूज्ड कार विक्रेता बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के बीच बस और ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हैं, तब लोग निजी वाहन का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं और इसीलिए छोटी कारों की डिमांड बढ़ी है। हालांकि ऐसी गाड़ियां बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन की वजह से बहुत फर्क पड़ा हुआ है। जो 10-15 गाड़ी बिकती थी, अभी 2-3 गाड़ी बिकती है। इतना फर्क पड़ा, कस्टमर आने के लिए डर रहे, और कस्टमर कैसा, हम लोग भी डर रहे कि कस्टमर से बात करूँ तो हम लोग हर गाड़ी पे सैनिटाइजर मार रहे हैं। जो कस्टमर उतरेंगे, चेक करेंगे, तो हर गाड़ी पे हम सैनिटाइजर मार के गाड़ी को, कस्टमर को पूरा सेफ्टी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और गाड़ी के धंधे के लिए बहुत तकलीफ चालू है। अभी गाड़ी बिक्री नहीं, महीने में 10 गाड़ी बिकती थी, अभी दो गाड़ी बिकती। 23 मार्च को जब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डाले चालू किया है, उससे पहले तो काफ़ी अच्छा था हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ी की सेल परचेज होती थी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो कम्प्लीटली 2-3 महीना तो पूरा बंद था। फिर जब सारे जो ट्रेन्स वगैरह गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो लोगों को बाहर जाने के लिए अपनी एक गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी। उस टाइम पे कुछ गाड़ियों की सेल हुई है, और उस टाइम के बाद में अभी जो है, जब गवर्नमेंट ने लोकल ट्रेन्स वगैरह बंद किया है, बस से भी लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो 1-1.5 लाख-2 लाख के बजट की है, लोग वो ढूंढने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो मार्केट में उस गाड़ी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिनके पास है वो बेच नहीं रहा है, और यूज़ कार का काम जो है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। धीमे धीमे आगे से खोलना चाहिए, और बिज़नेस का थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिज़नेस वाला का हल क्या हो रहा है। अगर बिज़नेस नहीं चलेगा तो फिर लॉकडाउन खोल के मतलब क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। 4 महीना तो कोई बिज़नेस ही नहीं हुआ। जो हम इन्वेस्ट किया है गाड़ियों में, उसमें तो कोई हम पैसा डालते हैं, कहीं से बैंक से निकलते पैसे, कहीं कुछ रख के हम गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं। फिर ये बिज़नेस अभी नहीं हो गया तो अपना पूरा लॉस है। अभी 1 महीना हो गया, अभी थोड़ा सा चालू हो गया, जो लॉकडाउन अभी उठ गया है, अभी हम क्या करेंगे। तो मैं अभी कोल्हापुर का हूँ, मैं यहाँ 6 महीना इधर काम करता हूँ। मैं मेरे को पेमेंट सैलरी देते हैं, लेकिन अभी ये कहाँ से देंगे पेमेंट सैलरी, तो बिज़नेस ही नहीं हो रहा है। और मैं यहाँ आता हूँ, इधर रहता हूँ, रहने के लिए जगह मेरे कहाँ पे। तो सेठ ने मेरे को है, उनका ऑफिस बढ़िया तो बहुत बढ़िया ऑफिस है, इसलिए उन्होंने मेरे को सहारा दिया, लेकिन क्या है, इतना हम काम करते हैं, उनका पेमेंट भी प्रॉब्लम पड़ता है देने के लिए। अभी स्टार्ट हो गया तो कैसे करेंगे, इंसान कौन भरपाई करके देगा, सरकार तो नहीं देगी। सिर्फ सरकार सिर्फ रूल्स बनाते हैं और क्या करते हैं, हाँ चलो ये हो गया वो गया, चालू हो जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ वाहन मालिक आर्थिक तंगी के कारण भी अपनी कारें बेच रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया है, और जब जीने की मुश्किल हो तब गाड़ी का पेट्रोल और डीजल कहां से आएगा।
कैमरे के पीछे कई लोगों ने लॉकडाउन को बर्बादी का लॉकडाउन बताया और अच्छे दिनों की उम्मीद भी जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।